माननीय उप आज हम सब महंगाई के इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हैं। विगत कई दिनों के उग्र वाक युद्ध के बाद आज यह चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष के कई सदस्यों का बड़ा आक्रोश, आवेग और नयन सुख की कथा, सभी चीजें व्यक्त की गईं। परंतु अभी कुछ देर पूर्व जो एक दृश्य सदन में दिखा था कि जब ऐसा लगा था कि वो नयन को सुख देने वाला नहीं था कि जब विपक्ष की लगभग सारी सीटें खाली नजर आ रही थीं, परंतु अच्छा हुआ कि विपक्ष ने अपनी जगह पहचान ली और समय रहते हुए आंशिक उसकी भरपाई कर दी। अब मैं यह कहना चाहता हूं, विषय सुनने वालों के मन में विषय के प्रति कितना अगाध स्नेह था यह उनके उस कार्य से दिख रहा था। अब मैं विषय पे आता हूं। विषय बहुत व्यापक है, महंगाई का विषय बहुत व्यापक है, इसलिए इसको गंभीरता से और व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। आज यह बताया जा रहा है कि महंगाई बहुत गंभीर स्थिति में है, परंतु मैं अभी याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव था जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, और 2004 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें, अन्यथा हर चुनाव में महंगाई मुद्दा होता था। आज की महंगाई की हम बात करें तो भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो अगस्त के महीने की है वो 7.01% है। अब यदि हमें महंगाई को पूरी तरह समझना है तो थोड़ा इसको व्यापक रूप से समझना होगा। मैं अपने विपक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि वो जरा इस बात पर मुलाहिजा फरमाएंगे कि इस समय विश्व में महंगाई की दर में इटली में 7.9% है, जर्मनी में 7.5% है, कनाडा में 8.1% है, यूरोपियन यूनियन में 8.9% है, यूएन में 9.1%, ब्रिटेन में 9.4%, स्पेन में 10.8%, चाइना में 2.5% है। चाइना में इसलिए कम है क्योंकि उनके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है जिसमें उन्होंने फूड और क्लोथिंग को ज्यादा महत्व दे रखा है, एंड द सोर्स इज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया है। अब आप आइए महंगाई की दर, आज ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पूरे दुनिया के देशों में महंगाई की दर क्या है, जाके चेक कर लीजिए। भारत की महंगाई की दर 7% है, दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। इसके बावजूद हमारे देश में 7% महंगाई की रेट है। महंगाई है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, परंतु अब मैं आपको और भी सोर्स के साथ बताता हूं, समस्या सिर्फ इतनी ही व्यापक नहीं है, इसकी व्यापकता पे ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसमें पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला इन ऑर्डर टू कर्टेल इन्फ्लेशन, एंड द सोर्स इज 23 नवंबर 2021, व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज। कभी बताइए, आपको ज्ञात इतिहास में ध्यान हो, बहुत बड़े बड़े विद्वान ज्ञाता लोग हैं हमारे विपक्ष में, जब उन्हें याद हो कि अमेरिका ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला हो, और उस खोलने के बाद कितना अंतर आया है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज 26 जुलाई 2022, वो ये कहती है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने के बाद भी 40 सेंट पर गैलन ही कम हुआ है। यानी समस्या कितनी व्यापक और गहरी है उसे समझने के लिए यह आवश्यकता, बिल्कुल साफ टू दी पॉइंट बोल रहे हैं, जब आप बात करने का प्रयास करते हैं तो समस्या कितनी व्यापक है उसको समझने का प्रयास करिए। समस्या सब्जेक्ट है महंगाई, और महंगाई की बात मैं यह भी कह रहा हूं, हमारे विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता ने जिस धरती से जाके ज्ञान दिया था उस धरती पे 9.4% है ब्रिटेन में, ये बताइए वहां से जाके महंगाई की बात की थी। हम विषय पे बात कर रहे हैं और इसलिए विषय पे बात कर रहे हैं क्योंकि आपने वहीं से जाकर महंगाई के बारे में सबसे पहले बताया। अब मैं ये भी बताता हूं कि विश्व में महंगाई की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, हम सब ने जी हम बिल्कुल बता रहे हैं, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, दुनिया में ही, देश में नहीं, दुनिया में भी क्या स्थिति है समझने की जरूरत है। आप हमारे मकान की मजबूती की बात कर रहे हैं तो जलजले पर भी नजर डालिए, और चाइना के अंदर भी मीडिया में ये रिपोर्ट है
कि कितने बैंक जिन्होंने अपना डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट, उसका तो लोकसभा में वित्त मंत्री महोदया ने विवरण दिया है। ह्यूनान प्रोविंस में यह भी रिपोर्ट है कि बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े, यानी यह स्थिति है विश्व में चारों तरफ अर्थव्यवस्था की। और समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, आज यह कहा जा रहा है कि हम लोग मंदी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई से बड़ा विषय सभापति महोदय मंदी का है, और इस पर फिर सोर्स के साथ बोल रहा हूं, ब्लूमबर्ग की पूरी दुनिया के भारत सहित देशों के बारे में मंदी की रिपोर्ट भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार इस समय अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना है 38%, यूरोपियन यूनियन की है 50%, चीन की है 20%, ऑस्ट्रेलिया की है 20%, और साउथ कोरिया और जापान की है 25%। अरे सुनिए तो, अरे आप पूरी बात सभापति महोदय, मैं ये चाहूंगा कि सब लोग शांति से सुने तो बेहतर बात रहती है सभी के लिए, ये मेरा सूचना है। अब मैं आ रहा हूं के बारे में कमेंट मत करिए। अब ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने की संभावना है 0%। विषय पे आ रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, मैं क्यों विषय बता रहा था, अरे हमारी हालत तो वो है कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलटे गिरे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन कितनी सावधानी के साथ जहाज को लेकर आगे जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि अगल बगल के पलटते जहाजों को मत देखो, हमारे जहाज पे आते हुए हिचकोले को देखो। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस प्रकार की परिस्थितियों के आदी रहे हैं। विपक्ष चाहे जितनी भी कांटे बिछाता रहे और कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इस प्रतिकूल धारा में हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे ले जा रहे हैं। अब अगली बात आती है, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है और वास्तविकता में रुपए की स्थिति क्या है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय प्रकाश जी ने इस विषय का थोड़ा सा जिक्र किया कि चाइना की करेंसी के मुकाबले रुपया स्थिर है, येन के मुकाबले रुपया बेहतर हुआ है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले स्थिर है, और यूरो के मुकाबले थोड़ा इंप्रूव किया है। तो सिर्फ अमेरिका केंद्रित मानसिकता से थोड़ा बाहर आइए और उसके बाद भी आपको दिखेगा कि वास्तविकता क्या है। और अमेरिका में भी डॉलर के मुकाबले हमारी रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर के मूल्य बढ़ा रहा है। मैं फिर कोट कर रहा हूं, 27 जुलाई 2022 सीएनबीसी की रिलीज, वो कहता है फेडरल रिजर्व हाइक द इंटरेस्ट रेट बाय 0.7% पॉइंट फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म इन ऑर्डर टू कंटेन इन्फ्लेशन। वो अपनी महंगाई को बचाने के लिए लगातार दूसरी बार 0.7% पॉइंट की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस कारण से डॉलर के मूल्य में आपको यह अंतर नजर आ रहा है, इसीलिए येन हो या यूरो हो या स्टर्लिंग हो, वो अंतर नहीं नजर आता है। अब भारत में हमने क्या किया, मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला जी जो काम कर रही हैं, हमारी स्थिति क्यों बेहतर है उसका भी मैं कारण बताना चाहता हूं। कारण यह है कि हमारे यहां महंगाई और विकास दर दोनों संतुलित इसलिए हैं कि हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे कम है, बाकी सभी अर्थव्यवस्थाओं का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ऊपर। और इतना ही नहीं, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जरूरी था कि हमारे पूरी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधार हो, और उस मजबूत आधार के लिए द इकोनॉमिस्ट जो जिन्होंने कोट करते हुए भारत के बारे में लिखा है कि 5 प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से भारत इस परिस्थिति में भी महंगाई और रिसेशन के दौर में नहीं जा पा रहा है। पहला कारण उन्होंने बताया कि सिंगल मार्केट हमने क्रिएट की, यानी जीएसटी। दूसरा बताया गया कि एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री बट विद अ शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, और सोलर एनर्जी से लेकर हाइड्रोजन एनर्जी तक के लिए क्या हो रहा है वो हमें सबको पता है। फिर मूविंग फ्रॉम ऑफ सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना, क्योंकि आज चीन के अंदर जो हो रहा है उस कारण से तमाम प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन पे प्रभाव पड़ रहा है, दुनिया के अन्य देश प्रभावित हो रहे हैं, परंतु भारत ने उससे अपने को बचाने में सफलता हासिल की है। एंड द प्रोमिनेंट यूज ऑफ आईटी, जो हमने आईटी का यूज किया है, जनधन मोबाइल, इस कारण से भी काफी हद तक गतिशीलता बनी हुई है। एंड द हाई वेलफेयर सोसाइटी, इस विपरीत परिस्थितियों में गरीबों को किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए, उस कारण से भी हमारी स्थिति अच्छी है। और इसीलिए
जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस की रैंक में हमारी रैंक बढ़ने के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि भारत अब हो सकता है कि जर्मनी और कनाडा के बाद सबसे बेहतर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस की दृष्टि से सेकेंड रैंक पर पहुंचने की संभावना है। और इस कारण से क्या है, आपका टाइम समाप्त हो रहा है, मुझे तो 15 मिनट बताया गया, बताया हमको 10 मिनट इसमें दिया। तो मैं अपने प्लीज अच्छा अब उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूं, मैं 2-3 मिनट और लूंगा। 2-3 मिनट नहीं है, एक मिनट है, 5 मिनट देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर सबका टाइम एक्सेप्ट बीजेपी एंड कांग्रेस ऑलमोस्ट सबका समय समाप्त हो चुका है। कुछ पार्टी ने सुबह नाम नहीं दे पाया, वो लोग अभी नाम दे रहे हैं, तो इसको एक एक मिनट दियो तो भी उसमें मैं समय लगेगा। हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने समय से पहले समाप्त कर दिया। ऐसे नहीं भाई, तो बहरा साहब है इसे। खैर उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं, मैं जल्दी समाप्त करने का प्रयास करता हूं सर, उसके बाद भी हमारा फॉरेन अब समर्थमान है, प्रयास करने की जरूरत नहीं जी। देखिए उसके बाद भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके बावजूद जबकि यह भी यथार्थ है कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार कर रही, राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं, जैसे नंबर 1 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, नंबर 2 सबको मुफ्त टीका लगवाना, नंबर 3 चाइना के सीमा के ऊपर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, वहां पर कॉस्ट कई गुना ज्यादा आती है सामान्य उससे। इसलिए अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरी तरीके से एनालिसिस करना चाहें घर के अंदर भी, तो हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी की परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जिसमें तेलंगाना है, उसका 9.4% है, एडेलविस सोर्स है इसका, मैं अपने विपक्षी सदस्यों के लिए बता देना चाहता हूं, और बंगाल का 8.27% है, राजस्थान का 7.36% है। तो हम विराट दृष्टि से देखें या सूक्ष्म दृष्टि से देखें, हमें दोनों दृष्टि से यह समस्या समझ में आ रही है। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि महंगाई की जब बात होती है सभापति महोदय, तो सिर्फ पिछली सरकार के जमाने की बातें नहीं बताई जाती, हम लोगों से कहा जाता है, आज तो यूट्यूब पे खूब अवेलेबल है लोगों के वीडियो, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था। मुझे याद आता है सभापति महोदय, हम 2022 में है, ठीक 50 साल पहले 1972 में, आज है रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% और उस समय क्या थी, -0.55%, और इतना ही नहीं था, याद करिए उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी थी, 16% 28% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 91 में सोना गिरवी रखा गया, कहते हैं उससे बुरी स्थिति थी। इसलिए मेरा मानना है कि जो बातें कही जा रही हैं वो यथार्थ पे कहें। मैं समराइज करते हुए कहना चाहूंगा, महंगाई को लेकर कितनी शिद्दत है हमारे विरोधियों में, हमें ध्यान आता है अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जिक्र किया गया कि एक साल पहले जयपुर में एक रैली की थी महंगाई के लिए, मगर उस रैली में महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के चिर युवा नेता ने 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था, यानी यह दर्शाता है कि दिल में क्या है और वास्तविकता में क्या है। परंतु इससे मुझे एक बात याद आई, मुझे लगा कि उनकी सोच बहुत सही थी, क्योंकि जिस जमाने में जिस जमाने में, याद करिए जब उनकी सरकार थी तो रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी, जिसको मजाक बनाया जाता था हम लोगों का, कहा जाता था ये 2% हिंदू ग्रोथ रेट है, और अब 8.5% है, ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है। इसलिए ये अंतर है, जिनको नहीं समझ में आता था उनसे अब तक। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तुलनात्मक दृश्य बहुत सारे आंकड़े थे उसमें ना जाते हुए, हाँ शक्ति सिंह जी ने कहा ईमानदारी से स्वीकार करिए कि महंगाई है, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल है जनाब, मगर इस समय चमन में बाहर का नहीं खिजा का माहौल है, इसके बावजूद हमारे माली ने जिस ढंग से सींचने का प्रयास किया है, और आपने जो किया था, ये पंक्ति कहते हुए समाप्त करता हूं, महंगाई को लेकर जो थोड़ा कष्ट हो रहा है जनता का, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं कह रहा हूं, सुनिए चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद।